सर्किट बोर्ड देख रहे हैं, ये सीआरटी टीवी का सर्किट बोर्ड है फ्रेंड्स। आज इसी पर हम वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम अधिकतर एम्पलीफायर पर वीडियो बनाते हैं, तो आज भी एम्पलीफायर पर ही लाए हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो इस वीडियो में हम आईसी के बारे में बताने वाले हैं, अभी तक आपने नाम नहीं सुना होगा हमारे किसी भी वीडियो में, तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आज हम इस सर्किट बोर्ड से एक एम्पलीफायर बनाएंगे, जैसा कि ये एम्पलीफायर सेक्शन है, तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं, और बस क्योंकि हमें इतने का ही काम है तो हम इसे यहाँ से कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये देखिए इसका दूसरा पार्ट हमारे पास है अभी, लेकिन उसका हमें यूज़ नहीं करेंगे। देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ है TDA 2006 यूज़ हुआ है। अभी तक हमने आपको TDA 2003 और 2005 पर आपको इसका कनेक्शन करके बताया, लेकिन आज हम फ्रेंड्स TDA 2006 ट्रांजिस्टर बेस एम्पलीफायर का हम कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। अगर फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम इसको थोड़ा साफ कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही गंदा है, आपको कनेक्शन नहीं समझ में आएगा। हमने फ्रेंड्स इसको निकाल लिया है, अभी इसको साफ भी कर लिया अच्छे से। फ्रेंड्स इसमें जो अभी इधर बैक साइड में जो फर्जी के कंपोनेंट लगे हुए हैं, हम इनको पहले निकाल कर अलग कर लेते हैं, इंसुलेटिंग आयरन को रफ कर लेते हैं, इधर के जो कैपेसिटर वगैरह हैं ये फर्जी के लगे हुए हैं, का इस सर्किट में कोई काम नहीं है, तो इनको निकाल लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 4.7 माइक्रोफेराइड 50 वोल्ट में ये है 4.7, और एक और लगा है, इसको हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है, इसको हम भी अच्छे से निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारे बाद में प्रोजेक्ट में काम आएगा। ये वाला फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर बहुत ही यूनिक है, अभी तक हमने ऐसा ट्रांजिस्टर नहीं देखा है। इसका नंबर है C102। फ्रेंड्स अगर आपको पता हो इसका कनेक्शन तो हमें ज़रूर बताइएगा, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, क्योंकि मुझे अभी नहीं मालूम है, इस पर अभी हमको रिसर्च करनी पड़ेगी। बस फ्रेंड्स इसमें बस कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, उनको निकाल देते हैं अभी, फिर उसके बारे में इसका हम आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे। फर्स्ट एंड फ्रॉल इसके निकल गया है, तो फ्रेंड्स थोड़ा बैक साइड से इसको हम साफ कर लेते हैं। इसको चलाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एक बूफर, ये 4 इंच बूफर है 25 वाट का इसका फ्रेंड्स, और इसमें फ्रेंड्स हमने एक जोबल नेटवर्क भी लगा रखा है, ये हमारे ये सब बूफर का क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको बता दें, अगर आपके आपको कोई भी एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड दिखता है तो उसमें जो बड़ा वाला कैपेसिटर है फ्रेंड्स वो हमेशा सप्लाई के लिए लगा होता है, और वैसे भी ये फ्रेंड्स हम
दावे के साथ कह सकते हैं ये सप्लाई के लिए ही यूज़ हुआ है, क्योंकि इतना तो हमें मालूम नहीं है। और इसमें जो ये वाला कैपेसिटर है फ्रेंड्स, हमें लगता है ये स्पीकर आउटपुट के लिए है। ये फ्रेंड्स हमारा जी, ये स्पीकर आउटपुट के लिए है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसका कनेक्शन करते हैं, उसके बाद में फिर आपको दिखाते हैं। एक वाले को हम ग्राउंड पे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। ग्राउंड हम टैप पर दे देते हैं, इसके जो हीट सिंक लगी हुई है उस पर, क्योंकि वो भी हमारा ग्राउंड ही होता है। दूसरा इस वाले कैपेसिटर के नेगेटिव वाले पॉइंट पर हम कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स हमारा स्पीकर का वायर हो गया कनेक्ट। आप देख सकते हैं ये वाला जो कैपेसिटर है इस पर हमने कनेक्ट किया हुआ है। फ्रेंड्स इस वाले कैपेसिटर पर हमने इस आइडियो आउट को कनेक्ट किया है, और इसमें सप्लाई के लिए ये वाला कैपेसिटर आप जो देख रहे हैं ये बड़ा वाला, ये सप्लाई के लिए है। तो इसमें हमारी रेड वायर बैटरी का पॉजिटिव, और फ्रेंड्स ये रहा ब्लैक वायर। हमारा वायर भी ये मतलब ये कनेक्शन हमारा रेडी है। इसमें बाद में हम आइडियो इन इसमें हम इस ट्रांजिस्टर के फर्स्ट वाली लेग पर देंगे, तो हमारी ये फर्स्ट वाली लेग तो फ्रेंड्स हम बाद में पता चलेंगे, पहले हम इसको टेस्ट कर लेंगे। ये रहे फ्रेंड्स हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई, और हम इसको सप्लाई से 12 वोल्ट से चलाने वाले हैं। तो हम लाल वाले वायर को लाल में और काले वाले वायर को काले में कनेक्ट करते हैं। ये 12 वोल्ट से ऑपरेटेड है। जैसा कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ये वाला पॉइंट हमारा आइडियो इन के लिए है, आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और फ्रेंड्स इसका हम टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।